नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आम आदमी खास पहल में। मैं हूं कविता शर्मा। अपने जीवन में नेक काम तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कर पाना हर किसी को नसीब नहीं हो पाता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कठिन से कठिन काम को भी आसान बना देते हैं। भारत में हर बच्चा पढ़े, ये तो हर कोई सोचता होगा। इसी काम को पूरा करने का काम कर रही है सोनल सिंह वाधवा, जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। हमने यहाँ पे काम करना शुरू करा था कुछ साल पहले, एंड हमने ये देखा कि हमारे आसपास यहाँ पे सारे बच्चे जो थे स्कूल के बाद बाहर खेलते थे, और वो सारा टाइम अपना बाहर खेलने में निकालते थे और उनका कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं था। और जब उन बच्चों से हम लोग बात भी करते थे या उनके पेरेंट्स से हम लोग बात करते थे, तो वो हमें बताते थे कि उनको बिल्कुल स्कूल में वो कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हैं, और उनको जैसे स्कूल में अगली क्लास में कोई एग्ज़ाम की तरह नहीं, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, या अगर देते भी हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता। बेसिकली उनको पुश कर दिया जाता है इनटू द नेक्स्ट सेक्शन और इनटू द नेक्स्ट क्लास। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब ये लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक कोई ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें हम उन्हें पढ़ा सकें, ताकि वो एक्चुअली सीखें अपने एज में और अपनी क्लास में जिस हिसाब से वो हैं, उस हिसाब से उनकी लर्निंग भी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू करा। हमने ये प्रोग्राम शुरू करा था 2007 में। सो उस टाइम जब हमने शुरू किया था, हमने इसको इन अ वे जैसे आफ्टरनून में सारे बच्चे आ जाते थे, राइट? और जब वो बच्चे आते थे, हमने ऐसे नहीं करा हुआ था कि छोटे बच्चे पहले आएंगे और बड़े बच्चे बाद में आएंगे। सारे बच्चे इकट्ठे आते थे और सबको हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, एंड वो लोग अपना काम करते थे, एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग एक्टिविटीज़ करते थे, थोड़ा सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, कभी रीडिंग कर लिया, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी होती थी। तब हमने एक प्रोग्राम शुरू करा पिछले साल, हमने इनको रजिस्टर करना शुरू कर दिया अप्रैल में, जब इनका स्कूल सेशन शुरू होता था। हमने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा जो पूरा स्टाफ है, हम लोग खुद गए थे घर, हर घर पे इस पूरे एरिया में, घर हाउस टू हाउस हमने जाके सबसे मिले और हमने सबसे बात करी कि आपको अगर हम ऐसा प्रोग्राम शुरू करें, आप अपने बच्चे को भेजेंगे और आप क्या चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम से? तो आई डोंट थिंक हमारे पास कोई भी ऐसा पेरेंट था ऐसा जिसने बोला नहीं, एंड सब ने एक ही चीज़ बोली कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ठीक जगह कोई पढ़ाई मिले, ताकि कोई सिखाए अच्छी तरह, ताकि वो एक्चुअली पढ़ें और सीखें। तो हम लोग ये फोकस करते हैं इंग्लिश पे स्पेशली, जो हमारा खुद का प्रोग्राम है। एक तो हम उनको ट्यूटोरियल सपोर्ट देते हैं आफ्टर स्कूल, एंड फिर उसके साथ हम लोग इंग्लिश पे फोकस करते हैं।
हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जैसे स्लम से हैं, सो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. सम कोई कोई जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे होंगे, कोई कोई जैसे मेड्स के या ड्राइवर्स के या कुक्स के, ऐसे करके डिफरेंट ग्रुप से हैं. बट ऑल ऑफ देम हु आर जैसे जिनके पास ऑब्वियसली जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं. हम लोग उनसे कोई पैसे नहीं लेते, हम लोग सिर्फ एक कमिटमेंट लेते हैं कि आपको आना पड़ेगा. हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे आते हैं. एंड एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बच्चे पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं है शुरू से, तो फिर उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क है. तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई 10 साल का बच्चा है या 8 साल का लेट से बच्चा है जो चौथी क्लास में हुए, कईयों का तो इतना अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा कि वो प्रॉपर सेंटेंसेस एकदम सही लिखेंगे, चाहे उसको ठीक से पढ़ ना पाए. एंड कई होंगे जो अभी तक अल्फाबेट भी नहीं ठीक से लिख सकते. हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि सबको एक लेवल पे लाना, एंड जिसके पास और भी अच्छा पोटेंशियल है उसको ऑफकोर्स और ज़्यादा आगे बढ़ाना, राइट. तो हम लोग उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका परफॉर्मेंस लेवल या स्किल लेवल. हमारे पास बच्चे बहुत मन लगा कर आते हैं, दे रियली लाइक आ सेंटर, क्योंकि हम लोग इधर इनके साथ बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं साथ में. हमारे आर्ट प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हमारी डांस परफॉर्मेंसेस, बच्चे बहुत डांस सीखते हैं, एंड इन सबको डांस में बहुत इंटरेस्ट है एंड गाने में बहुत इंटरेस्ट है. तो हम लोग हर थोड़े महीनों के बाद कोई भी फेस्टिवल आया या कोई भी और अच्छा फंक्शन आया तो हम लोग हमेशा इनसे कुछ परफॉर्म करवाते हैं, क्योंकि इनको जेन्युइनली इंटरेस्ट है. वो भी एक इंसेंटिव की तरह होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे को आके देख रहे हैं, आसपास में लोग आके देख रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, तो वो हमेशा आके परफॉर्म करते हैं. प्लस आर्ट कॉम्पिटिशन जैसे मैंने मैंशन करा, एंड हम लोग ने डिफरेंट स्कूल्स के साथ टाई अप करा हुआ है, जैसे मॉडर्न स्कूल इन वसंत विहार, तो वहाँ पे वो लोग स्पोर्ट्स डे वगैरह रखते हैं, तो हम लोग अपने सारे बच्चों को वहाँ पे लेकर जाते हैं एनजीओ स्पोर्ट्स डे में, एंड हमारे बच्चे ज़्यादातर फर्स्ट आते हैं. सो बच्चों को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, एंड हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा हम इनको एक्सपोजर दे पाएँ हम दें. पता चल जाता है जब बच्चे में एक कमिटमेंट होए एंड वो पैशन होए लर्निंग का, वो बच्चा बार बार वापस आएगा पढ़ने के लिए. और ये नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में आने के लिए, वो बच्चा बार बार आएगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अपना काम करेगा. वो पूरा मोटिवेशन रहता है उनमें, उनमें क्यूरियोसिटी रहती है. हमारे पास बच्चे आते हैं जो इनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो आके हमसे बोलते हैं कि आप हमें कंप्यूटर पे दिखाइए
कि इस जैसे कोई भी वो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आप हमें कंप्यूटर पे दिखाइए इसका क्या मतलब है, या इसका हमें विजुअल देखना है कुछ, तो हम उन्हें दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, पूरा वो लोग पढ़ते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं. तो वी गिव देम दैट फैसिलिटी कि आप आके उसका पूरा यूज़ निकालिए, ताकि दे आर एबल टू बी एक्सपोज्ड, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले एंड वो आगे बढ़ पाए. आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स को पता होता है कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है, सबको पता होता है, लेकिन अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो बच्चे को वो उस तरह की एजुकेशन नहीं दे पाते. एंड जब वो नहीं दे पाते, और हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का स्कूल सिस्टम है, वो बच्चे में वो इंटरेस्ट और वो फायर नहीं जगा पाता कि उसको पढ़ाई करने का मन भी करे. अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आम आदमी खास पहल में. आइए जानते हैं सोनुल सिंह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं. हमने इनकी मिड डे मील का एक प्रोग्राम रख लिया. अब जब बच्चे आते हैं, हमने उनको डिवाइड कर दिया है. छोटे बच्चे आते हैं पहले 3 से 4 बजे तक, और फिर बड़े बच्चे आते हैं 4 से 5:30 तक. और वो आते हैं तो हम उन्हें एक मिड डे मील देते हैं, तो चाहे एक वो बॉटल दूध का, या फिर केला या बिस्किट या और कोई सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल है, वो हम लोग हमेशा इनको देते हैं, विच एक्ट्स एज अ इंसेंटिव ऑल्सो. और दूसरी बात ये है कि उनकी न्यूट्रिशन भी बढ़ रही है, तो उससे भी उनको एकेडमिक फोकस मिलता है. इट हेल्प्स विद एकेडमिक फोकस, तो इसीलिए हम इनको न्यूट्रिशियस मील देते हैं. उससे हमारा ड्रॉप आउट रेट भी एकदम ख़त्म हो गया. पिछले साल हमारे पास 0% ड्रॉप आउट था हमारे प्रोग्राम में, और हमारी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है अब. उससे पहले, क्योंकि हमने ऐसा कोई इनरोलमेंट सिस्टम नहीं रखा हुआ था, तो बच्चों की मर्जी थी कब आए कब जाएं. न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करा था 2011 में. उससे पहले हमारे पास बच्चे आते काफ़ी थे, अबाउट आई थिंक हर साल हमारे पास 50 से 60 बच्चे हमेशा ही थे. एंड लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि वो आते थे फिर चले जाते थे, क्योंकि उनमें वो कमिटमेंट नहीं थी. उनको ऐसे नहीं लगता था कि हम यहाँ पे बैठे सीखें, क्योंकि वो कभी उनको इनकरेजमेंट नहीं घर से मिली ना स्कूल से, तो उनमें वो बना ही नहीं कि हमें सीखना है. लेकिन जब हमने पिछले साल ये प्रोग्राम शुरू करा, हमने डिसाइड करा हम सिर्फ 50 बच्चों को रखेंगे इनरोल करके. तो अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है 57, जिसमें से 54 चिल्ड्रन हमारे परमानेंट हैं. एंड 3 बच्चे जो हैं वो हमने इस साल ऐड करे हैं, प्लस हमारी वेटिंग लिस्ट चल रही है. तो हम उस हिसाब से जब हमारे पास वैकेंसी होगी या फंड्स होंगे, हम उस हिसाब से उनको ऐड करते जाएंगे. Thank you.
हम लोग साल के एंड में ये देखते हैं कि इनका कैसा, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो एक तो हम ये देखते हैं कि हमने उनको ट्यूटोरियल सपोर्ट दिया है, उसमें उनकी पढ़ाई का क्या हाल है। दूसरा, हमने न्यूट्रिशन दिया है, उसमें उसको देने के बाद क्या पढ़ाई में कोई फ़र्क पड़ा है। तीसरा, जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। एंड हमारे पास अभी पिछले साल हमने 14 स्कॉलरशिप्स दी हैं, एंड उनमें से कई बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स देते हैं जिनके पेरेंट्स, वन पेरेंट इज़ नॉट देयर, सो जैसे उनके फादर नहीं हैं, लेकिन दैट चाइल्ड इज फिर भी उसमें कमिटमेंट है पढ़ने की। तो अगर हम वो देखें कि चाइल्ड में है कमिटमेंट पढ़ने की, लेकिन उनके पास वो पैसे नहीं है या फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उनको पैसे देते हैं 6,000 रुपये हर साल का, जो उनको बेसिकली किताबों के लिए मिलता है, उनको अपने घर में जैसे खाने पीने के लिए या नोटबुक्स के लिए, बच्चे के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए हम देते हैं। कन्विंसिंग पेरेंट्स की वो भेजने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उन्हें ये भी था कि अच्छा, दोपहर में बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको वो काम में लगाते थे घर में, जैसे पानी भर के लाओ, या अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखो, या फिर थोड़ा जैसे बड़ी लड़कियां थीं तो खाना पीना करो। एंड फिर बच्चों को खेलने कूदने का तो इंटरेस्ट होता ही है, तो कई कई पेरेंट्स क्योंकि वो आसपास नहीं रहते थे या काम पे जाते थे, तो वो बच्चों को खेलने कूदने के लिए भेज देते थे। तो हमें बहुत उनके साथ काम करना पड़ा कि नहीं, आप अपने बच्चे को इनकरेज करिए कि वो आए पढ़ने के लिए, चाहे वो उनका और भी जो भी उनको काम करना है वो भी कराइए, बट वो बाद में कराइए, उसको लेस इम्पॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत लड़कियां पहले आती थीं जिनको एक्चुअली पढ़ाई में कोई मन नहीं था, उनकी माओ ने उन्हें फोर्सफुली यहाँ भेजा था कि एटलीस्ट 10वीं क्लास तक वो पढ़ लें, क्योंकि वो लड़कियां सिर्फ ये चाहती थीं कि वो 13-14 के बाद जाके किसी घर में सफाई करना शुरू कर दें। उनको ये था कि हम नौकरी करना शुरू कर दें, और उनके पेरेंट्स ने भी यही बोला था, अगर नहीं पढ़ेंगी तो यही करना पड़ेगा, आफ्टरऑल हम क्या करें। और वो कई पेरेंट्स तो थे जो चाहते भी यही थे, वो कहते थे कि हाँ, पढ़ाई में तो वैसे ही ध्यान नहीं है, वैसे भी लड़की है तो अच्छा ही है कि वो हमारे पास, हमारे को थोड़ी मदद करेगी। सो हमें काफ़ी उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा, कि आपको पढ़ना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करी है पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, कि आप लोग स्लम में रहते हैं, आपका मतलब कि अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, और फिर आप इस माहौल से निकल पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें। मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड हैं, और मम्मी, मम्मी कोठियों में खाना पकाती है, काम करती है। और आप कौन से स्कूल में हो? मैं एनपी कॉन्वेंट मिडिल स्कूल, नेताजी नगर, न्यू दिल्ली। और कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में हूँ। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पर? मैम जी, मेरे को यहाँ 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए आप यहाँ पर? क्या सीखा आपने? कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो? मैम जी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और साइंस। क्या क्या पढ़ा आपने उसमें? मैम जी, हमने तो पहले ABCD ये सब शुरुआत की थी। अच्छा, और अब? अब कि वो टाइप्स ऑफ हाउसेस और जनवरी फरवरी वो सब हमने यही सीखा है। मैं यहाँ पे 3 साल से आता हूँ, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप बेसिकली? मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा फार्मर हैं। हमने ये देखा है कि ओवर द पास्ट 2 ईयर्स
हमारा एक बच्चा तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में चला गया है, विच इज़ अ बिग सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस कि हमारे पास कि वो बच्चे में इतनी कमिटमेंट थी एंड हम उसको सपोर्ट दे पाए कि वो इधर तक इतनी दूर तक चला गया। हमारे पास और भी बच्चे हैं जो अब आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई एयर होस्टेस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सो हम ये चाहते हैं कि जिसमें वो एस्पिरेशन होए हम उनको वो सपोर्ट दे पाएं। मेन प्रॉब्लम तो पैसों की ही होती है सबके साथ। हमारे पास अभी कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे पास छोटे छोटे यू नो कभी कोई आके इंडिविजुअली फंड कर देता है, कभी आके कोई नोटबुक्स दे जाए, बट कोई कंसिस्टेंट फंडिंग नहीं है। हमारे पास 3 टीचर्स हैं जो इन बच्चों को हर रोज़ पढ़ाती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं एंड वो वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो उन्होंने पूरी कमिटमेंट दी हुई है। वो काफ़ी सालों से कहीं कहीं आते हैं और जो जो भी आता है वो हर हफ्ते का अपना स्केड्यूल बनाते हैं और वो उस स्केड्यूल के हिसाब से हमेशा आते हैं। बहुत कमिटेड वॉलंटियर्स हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। मैं सोनल मैम के साथ पिछले 3 साल से मैं ये प्रोजेक्ट देख रही हूँ और यहाँ पे हर साल बच्चे बढ़ते हैं कमते हैं, पर इस साल जो हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ है वो 54 प्लस है। और जैसा कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उसमें जो पिछले साल बच्चे थे उतने ही इस साल भी बच्चे हैं, कोई भी ड्रॉप आउट नहीं है। प्लस हमारे पास और भी बच्चे आ रहे हैं, तो क्योंकि उनके फैमिली जो है वो हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, क्योंकि हम उनका जो एजुकेशन लेवल है, जिस तरीके से हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें जो स्कूल से वो सीख के आते हैं वो भी हमें यहाँ पे उन्हें सिखाते हैं, एज़ वेल एज़ हम उनको एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम उनको प्लान करके हम उनको वीकली एजुकेशन देते हैं और उसी वीकली हमने उनको मंथली प्लान करा हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ईयरली प्लान है। मेन मोटिव ये है कि जो हमारे आसपास बच्चे रहते हैं उनको इस तरह से आगे लेकर जाना ताकि वो एकदम मेन स्ट्रीम में आ जाए। जैसे हमारा देश बढ़ रहा है, सबके पास इतना ज़्यादा अब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड लोग एकदम उस अपॉर्चुनिटी का फुल यूज़ निकाल रहे हैं, उनको पूरा उसका मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसे क्यों होए कि जो हमारे पास इस एरिया में बच्चे रहते हैं उनको ना वो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वो ले नहीं सकते बिकॉज ऑफ फंड्स या जिस जगह में रहते हैं या और कोई भी उनके पास यू नो कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो हमारा ये कोशिश है कि उनको हम उस लेवल तक लेकर जाएं ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी का फुल मतलब निकाल पाएँ, यूज़ निकाल पाएँ। सोसाइटी को और यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई, बच्चों को सिखाना, एजुकेट करना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। जब वो आगे बढ़ पाएंगे तो उनके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो भी ऊपर बढ़ेगा एंड वो बहुत ज़रूरी बात है। अगर हमें पूरे देश को आगे बढ़ना है तो हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह उसको मतलब कि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा आसपास। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को देख रहे हैं जो काम कर रहा है या जिसको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप किसी तरह उसको सपोर्ट करिए, स्कॉलरशिप दे दीजिए, उसके लिए पैसे दे दीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता है उस बच्चे को पढ़ा सकती है। आज भी समाज के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन गरीब बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे सके, ताकि इन्हें भी ये एहसास हो कि हम भी किसी से कम नहीं। सोनल की ये खास पहल हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com।
मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।